हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे कंपोजिट रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ कंपोजिट रिलेशन। इसके पहले वीडियो को आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने कंपोजिट रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पर शो करना है कि एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये हम शो करेंगे कि क्या है। तो आप इसके पहले वीडियो को जब आप देखेंगे तब समझेंगे कि ये एस ओ आर है क्या। सो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर ओ आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। यहाँ ओ क्या है, कंपोजिट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फिर से, फिर भी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमने तीन नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं, थ्री नॉन एम्प्टी सेट। पहले सेट का नाम दे दिया है ए, सेकेंड है बी एंड थर्ड है सी। अब मैंने लिया है रिलेशन आर जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया है। ये हो गया हमारा आर रिलेशन। सो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। रिलेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और सेट क्या है हमारे ए टू बी, इसलिए ए क्रॉस बी ले लिया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकेंड एक और मैंने रिलेशन डिफाइन किया है एस, जो कि है सेट बी से लेकर सेट सी पर, इसलिए एस क्या होगा, सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। फिर आप डिफाइन करेंगे कंपोजिट रिलेशन जिसको कहेंगे एस ओ आर। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेकर सी पर। सो एस ओ आर जो कंपोजिट रिलेशन है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस सी का। ये चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। तो पहले हमें दो रिलेशंस ले लेने हैं, आर और एस। आर मैंने बताया ए से बी में है, तो आर सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। सेकेंड एस रिलेशन लिया है जो कि बी क्रॉस सी से डिफाइन है, तो ये एस जो है वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का। एंड देन आप डिफाइन करेंगे कंपोजिट रिलेशन, दो रिलेशंस का कंपोजिशन, जो कि हमने लिखा है एस ओ आर। जब आर पहले है एस बाद में है तो एस पहले आ जाएगा एस ओ आर, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, सेट ए से लेकर सेट सी पर, इसलिए एस ओ आर सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी का। अब हमें मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको पहले बताई है एस ओ आर की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सॉरी कंपोजिट रिलेशन की। किस तरह से है ये, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं एक्स कॉमा जेड टाइप के। एक्स कहाँ से है, ए से, यहाँ वाई एलिमेंट है, यहाँ जेड एलिमेंट। तीन एलिमेंट मैंने लिए, एक एक्स हो गया ए सेट का एलिमेंट, वाई हो गया सेट बी का एलिमेंट, और जेड है सेट सी का एलिमेंट। तो ये जो एस ओ आर कंपोजिट रिलेशन है ये सबसेट होता है ए क्रॉस सी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी का, इसलिए इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक्स कॉमा जेड टाइप के। एक्स ए का हो गया, जेड सी का हो गया। किस तरह से डिफाइन होता है, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, एक वाई मिलेगा हमें बी में, सच दैट कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है ये आपका रिलेशन आर में होगा, एंड जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है वाई कॉमा जेड ये रिलेशन एस में होगा। इस तरह से इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है कंपोजिट रिलेशन की। अब अगर मैं बात करूँ इनवर्स रिलेशन, तो ये भी मैंने आपको सिंपल बताया है पहले ही। अगर रिलेशन आर में एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है, तो इनवर्स रिलेशन में उसका अपोजिट हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स होगा ऑर्डर्ड पेयर। सेम यहाँ पे भी अगर आप बात करें एस ओ आर इनवर्स की, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, जेड कॉमा एक्स टाइप के। तो मैं लिखती नहीं हूँ इसको, ये ऑब्वियस है, आप समझ गए होंगे, इनवर्स रिलेशन में बता चुकी हूँ। सिंपल आपको इसको उल्टा करना होता है। अब हमें प्रूफ करना है ये प्रॉपर्टी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो एस ओ आर कंपोजिट रिलेशन का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। मीन्स जो रिलेशंस के इनवर्स हैं उनके कंपोजिट के इक्वल है।
तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जब हमें दो सेट्स को, सेट ही है ये एक तरह से, देखिए रिलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो एक सेट बन रहा है। मतलब जब आपको दो सेट्स को बराबर प्रूफ करना हो, मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, दोनों को अगर बराबर प्रूफ करना है तो क्या करना, क्या कर सकते हैं, हम ये दिखा दें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम सेट्स पढ़ते हैं कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए को बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा, बी को ए का, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ही इक्वल हैं। क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते हैं। सबसेट का मतलब जानते हैं आप, ये अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है, ए बी का सबसेट है, और अगर बी अंदर आ जाएगा तो बी ए का सबसेट है, और दोनों ही एक टाइम पे पॉसिबल कब होंगे, जब दोनों ही बराबर होंगे। तो ये चीज़ हमें बराबर दिखाने को प्रूफ करनी होती है। दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमें सबसेट शो करना है तो हम क्या करेंगे, हमें लेके चलना होता है एक एलिमेंट एक्स ए में है और हम शो कर देते हैं कि वही एलिमेंट सेट बी में भी है। ये है डेफिनेशन सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमें शो करना है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट एक्स ए में लेके चलेंगे और उसी एक्स को बी में दिखा देंगे, शो कर देंगे, तो हमारा सेट ए बी का सबसेट हो जाएगा। मतलब इसमें हम एक एलिमेंट लेंगे और ये शो कर देंगे कि वही एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है, तो पूरा का पूरा ए सेट हमारा बी के अंदर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा उन दोनों सेट्स को। सेकंड, ए को अगर हमें बी का सबसेट दिखाना है तो एक एलिमेंट ए का लेंगे और उसी एलिमेंट को बी में शो कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ यूज़ करूँगी क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इसका सबसेट दिखाऊँगी और इसको इसका। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसको। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रूफ करती हूँ, टू प्रूफ हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखानी है। अभी मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि एस ओ आर इनवर्स इज़ अ सबसेट ऑफ आर ओ एस, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। लेट अस फर्स्ट शो दैट। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्रूफ करती हूँ कि एक एलिमेंट एस ओ आर इनवर्स का लेंगे। तो एस ओ आर इनवर्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि एस ओ आर में कैसे एलिमेंट होते हैं, एक्स कॉमा जेड ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो एस ओ आर इनवर्स में हो जाएगा जेड कॉमा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा किसका एलिमेंट, एस ओ आर इनवर्स, होल इनवर्स। ओके, ईजी है, पहले आपको ये तो समझ में आना ही चाहिए क्योंकि एस ओ आर में कैसे एलिमेंट थे, मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखी थी कंपोजिट रिलेशन की, तो उसमें एक्स कॉमा जेड टाइप का ऑर्डर्ड पेयर था। तो एस ओ आर इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, जेड कॉमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। अब हम लिखते हैं, तो मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया, इससे ये हो जाएगा कि एक्स कॉमा जेड हो जाएगा हमारा एस ओ आर का एलिमेंट। फिर अभी कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स कॉमा वाई हमारा आर में होगा एंड वाई कॉमा जेड होगा रिलेशन एस में। फिर इधर से आप लिखेंगे इसको, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन आर में है तो वाई कॉमा एक्स हो जाएगा रिलेशन आर इनवर्स में एंड जेड कॉमा वाई हो जाएगा इनवर्स रिलेशन एस में। अब हमें करना है कंपोजिट किसका, इसका और इसका। मैंने अभी आपको बताया था कि
के कंपोजिट करने के लिए ये जो एलिमेंट कॉमन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूँ, पहले इसको लिख लूँ, जेड कॉमा वाई एस इनवर्स का एलिमेंट है, वाई कॉमा एक्स इनवर्स आर इनवर्स का एलिमेंट है, तो कंपोजिट जब आप करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए आर से एस में गए थे तो कंपोजिट में पहले एस आया, वैसे यहाँ पे भी जब इधर करेंगे आप कंपोजिट तो पहले आएगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये पहले आएगा देन ये आएगा। और ये जो कॉमन एलिमेंट है वाई दोनों में, ये एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास क्या बचेगा, जेड और एक्स, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिट रिलेशन बनाना। अब आप देख सकते हैं ये एक पार्ट प्रूफ हो गया है, जेड एक्स हम इसमें लेके चले थे और वही एलिमेंट जेड एक्स इसमें आ गया। देखिए जेड एक्स हम लेके चले थे किस में, एस ओ आर के होल इनवर्स में यहाँ से, और हमने शो कर दिया कि वही जेड एक्स किस में है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स में। देयरफोर ये जो हो गया एस ओ आर इनवर्स होल इनवर्स, ये सबसेट हो गया आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का। तो एक पार्ट यहाँ प्रूफ होता है, हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, तभी दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। वो भी वो जो सेकेंड पार्ट है वो प्रूफ करना बहुत आसान है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखने जाना है और वो पार्ट भी ईजिली प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहीं इसको प्रूफ कर देती हूँ ताकि आप ये देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, लेट अस शो दैट कि आर इनवर्स ओ एस इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एस ओ आर होल इनवर्स। अब हम ये शो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसका एक एलिमेंट लेंगे। तो इसका एलिमेंट किस टाइप का है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जेड एक्स टाइप का है। तो हमने ले लिया जेड एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। अब ये कंपोजिट रिलेशन है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, तो देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, वाई मिलेगा बी में, सच दैट कि ये जो Z है ये Y के साथ लेंगे तो ये आएगा S इनवर्स का, एंड ये Y और X ये हो जाएगा हमारा R इनवर्स का। इसको लिखना बहुत आसान है, कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन यूज़ करना, आपको Y लेना है और Y जब आप Z Y लेंगे तो पहले ये लिखेंगे और फिर Y X लेंगे तो वो R इनवर्स में। इसको आप चाहें तो फिर से लिख लीजिए, y कॉमा x बिलोंग्स टू r इनवर्स एंड z कॉमा y, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, z कॉमा y अगर s इनवर्स में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा y z हमारा s में, एंड x y हो जाएगा r में। अब हमें कर देना है, इसको इधर ले लेना है उसको उधर, इससे हम क्या कर पाएंगे, इसका कंपोजिशन लिख पाएंगे दोनों रिलेशंस का, आर एन एस का। इससे हम लिखेंगे कंपोजिट रिलेशन एस ओ आर, जिसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स कॉमा जेड टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, और इसका इनवर्स लेना है एस ओ आर का, तो जेड कॉमा एक्स हो जाएगा हमारा एस ओ आर इनवर्स में। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है, जस्ट आपको ये नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने जेड एक्स इसमें लिया था, जेड एक्स इसमें आ गया, इसका मीन्स आर इनवर्स ओ एस इनवर्स सबसेट हो गया एस ओ आर के होल इनवर्स का। सो ये दो पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया सबसेट्स, ठीक है। और इन दोनों से क्या इम्प्लाइज होता है कि आर ओ सॉरी एस ओ आर होल इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो ये मेन आइडेंटिटी जो है कंपोजिट रिलेशन की वो प्रूफ हो जाएगी इस तरह से।